हेलो एवरीवन आई एम डॉक्टर गणेश का कौशिक वेलकम यू ऑल ऑन टॉपर स्टॉप सो गाइस इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू ऑफ करंट अफेयर्स तो ये यूपीएससी ईपीएफओ के लिए स्पेसिफिकली वीडियो है जिसमें हम मॉडरेट डिफिकल्ट और इजी तीनों टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे हर फील्ड से करेंगे हर सब्जेक्ट से डिस्कस करेंगे तो इस वीडियो से आप अपने आप को जज कीजिए कि आपकी प्रिपरेशन किस स्टेज पर चल रही है और अब जो भी रिजल्ट आपके सामने आता है उसके उससे आप उसको इम्प्रूव भी कर सकते हैं या फिर उस को एक तरीके से कंसिस्टेंट रखे तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि विद रेफरेंस टू डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स द फॉलोइंग स्टेटमेंट तो आपको दो स्टेटमेंट दी गई है और उसमें आपको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स के बारे में पूछा गया है और ये टैक्स अगर आपको नहीं पता है तो आपको अपनी प्रिपरेशन और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेनी चाहिए क्योंकि ये टू बजट में भी इसका इंट्रोडक्शन किया था मैंने खुद इसको अच्छी तरीके से कवर किया था तो ये आपको आना चाहिए जरूर तो फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज टैक्स लिवाइड ओन डिविडेंट्स डाटा कंपनी पेज टू इट्स शेयर होल्डर आउट ऑफ इट्स प्रॉफिट एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज ओनली डोमेस्टिक कंपनीज आर डोमेस्टिकाइबल टू पे दिस टैक्स तो ये दोनों स्टेटमेंट आपके सामने और ऑप्शन आपके आगे है ए वन ओनली बी टू ओनली सी बोथ वन एंड टू एंड डी नाइदर वन नो टू तो जैसी क्राइटेरिया हमारा होता है वीडियोज का आप वीडियो को पोस्ट करेंगे और फिर इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे देन मैं इसका आंसर बताऊंगी तो चलिए वीडियो को पोस्ट कीजिए और इसे अटैम्प्ट कीजिए ओके okay, डन तो देखिए ये जो दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही हैं तो इसका सी ऑप्शन बोथ वन एंड टू इज़ राइट तो यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी दिखा देती हूँ तो सी बोथ वन एंड टू इज़ राइट अगर हम देखते हैं तो डिविडेंड क्या का क्या मतलब होता है पहले वो देखे कि क्या होता है कि कोई भी जो कंपनी होती है उसकी जितनी भी इनकम होती है उसे वो इनकम सिर्फ अपने पास नहीं रखनी होती जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं उन्हें भी डिस्ट्रीब्यूट करनी होती है तो ये कहा जाता है डिविडेंड तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स जो है वो इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू टैक्स इंपोज किया जाता है इंडियन कंपनीज के ऊपर ताकि जो डिविडेंड पे किया गया है कंपनीज के इन्वेस्टर्स को उसके ऊपर टैक्स लग सके और अगर हम प्रेजेंट सिचुएशन में देखते हैं तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स जो है उसको गवर्नमेंट ने रिमूव कर दिया है इन बजट टू तो ये वाला क्वेश्चन आपको जरूर आना चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते विद रेफरेंस टू एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कंसिडर्ड द फॉलोइंग स्टेटमेंट ये भी मैंने अपने करंट अफेयर्स में डिस्कस कर चुका है अगर आपने शुरू से देखे हैं तो फर्स्ट स्टेटमेंट है द प्रोग्राम aims to quickly and effectively transform some of the most of underdevelopment district of country second statement it is initiative by ministry of panchayati ras third statement इट रैंक स्टेट्स ओन पैरामीटर अक्रॉस वेरियर परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स लाइक हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट एंड बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तो तीनों स्टेटमेंट आपके सामने अब आप ऑप्शन देखिए ए इज़ वन एंड टू बी टू एंड थ्री सी वन एंड थ्री ओनली एंड डी वन टू थ्री तो एक बार इसे अटैम्प्ट कीजिए ओके okay, डन तो देखिए ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है बट ये जो कहा गया कि ये इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज का ये स्टेटमेंट गलत है तो आपका सी ऑप्शन इज करेक्ट वन एंड थ्री ओन ये तो इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ तो देखिए ये जो एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है ये बेसिकली कुछ जो ऐसे अंडर डेवलपमेंट डिस्ट्रिक्ट है कंट्री के उनको क्विकली और अफेक्टिवली ट्रांसफॉर्म करने के लिए शुरू किया गया था और यहाँ पर अगर हम ब्रॉड कॉन्टूर्स देखते हैं इस प्रोग्राम की तो उसमें सेंट्रल और स्टेट स्कीम्स को रखा गया है पंचायती राज जो होगा वो लोकल गवर्नमेंट होगी उसका यहां पे रोल नहीं है तो यहां पे कोलेबोरेशन किया गया है सेंट्रल लेवल का स्टेट लेवल का प्रभारी ऑफिसर्स का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स का जो किसी भी डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करेंगे जो अंडर डेवलप है और फिर उसके ऊपर इम्प्रूवमेंट करने शुरू कर देंगे और ये इंप्रूवमेंट किस तरीके से की जाएगी मास मूवमेंट या फिर जन आंदोलन के थ्रू तो यहाँ पे जो स्टेट्स है वो मेन ड्राइवर्स हैं जो कि इस चीज़ को रेगुलेट करेंगे ना कि जो पंचायती राज है वो इसको इम्प्रूव करेगी बाद एक चीज़ और देख लेते हैं कि इसमें कहा गया था कि कौन कौन से पैरामीटर्स है तो यहाँ पे हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इसके थ्रू होगा और जो रैंकिंग्स निकल के आएगी फिर डिस्ट्रिक्ट की वो कैसे लोगों को मिलेगी वो पब्लिकली होगी थ्रू चैंपियंस ऑफ चेंज डैशबोर्ड के थ्रू नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं तो ये कहा गया है कि अगर आप ब्रास को open air में रख देते हैं तो वो किस वजह से डिसकलर्ड हो जाता है कौन सी ऐसी गैस एयर के अंदर प्रेजेंट है तो फर्स्ट ऑप्शन इज ऑक्सीजन सेकेंड ऑप्शन इज हाइड्रोजन सल्फाइड सी इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड डी इज नाइट्रोजन तो ये आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन हो गया तो एक बार कीजिए ओके okay, डन तो देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड जो है ये जो है फैक्ट्स हैं तो इनके ऊपर ऐस मैं एक्सप्लेनेशन नहीं कर रही हूँ इस वजह से जो ऐसे इजी क्वेश्चंस होंगे उनकी एक्सप्लेनेशन नहीं है तो हाइड्रोजन सल्फाइड जो है उसको अगर मतलब कि उसकी प्रेजेंस की वजह से ब्रास जो होता है वो एयर के अंदर डिसकलर हो जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन इज संप्रीति ओफन सीन इन न्यूज़ डिफेंस कोऑपरेशन एंडिव्यूर बिटवीन इंडिया एंड विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री तो ये कहा आ गया कि जो संप्रीति डिफेंस एक बायलेटरल एक्सरसाइज होती है वो इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में होती है तो अगर आप स्टार्टिंग से देखा होगा आपने तो मैंने स्पेसिफिकली एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बायलेटरल डिफेंस एक्सरसाइजेस के ऊपर स्पेसिफिकली इंडिया के साथ या फिर और कंट्रीज के बीच में जितनी भी बायलेटरल एक्सरसाइजेस थे वो आपको एक्सप्लेन करी थी तो यहां पर एक बार आप इसे अटेम्प्ट कीजिए ओके okay, डन तो देखिए सम्प्रीति जो है वो बांग्लादेश और इंडिया के बीच होती है और ऐसा नहीं है कि सम्प्रीति जो है वो फर्स्ट टाइम हुई है इसके बहुत सारे एडिशंस हो चुके हैं तो इस चीज को आप याद रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच विद रेफरेंस टू स्टार कंपेनर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट है अ रिकोगनाइज पोलिटिकल पार्टी कैन हैव फोर्टी स्टार कंपेनर सेकेंड स्टेटमेंट इज एन अनरिकोगनाइज बट रजिस्टर्ड पोलिटिकल पार्टी कैन हैव ट्वेंटी स्टार कंपेनर एंड थर्ड स्टेटमेंट इज द लिस्ट ऑफ स्टार बी कम्युनिकेटेड टे चीफ इलेक्ट्रोल ऑफिसर एंड इलेक्शन विद इन अ वीक फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ एन इलेक्शन तो आप इन तीनों स्टेटमेंट को देखिए और फिर ऑप्शन देखिए ए इज वन एंड टू ओनली बी टू एंड थ्री ओनली सी वन एंड थ्री ओनली एंड डी वन टू थ्री तो एक बार इसे अटैम्प कीजिए ओके okay, डन तो देखिए ये तीनों ही स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है डी ऑप्शन इसका करेक्ट है और ये कहाँ से है जो पॉलिटी में आपका चैप्टर है इलेक्शन से रिलेटेड जो लास्ट की आपकी यूनिट है और करंट अफेयर में भी ये रहता है जो टॉपिक है तो इस वजह से उस पार्ट से इसको क्वेश्चन बनाया गया है तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज़ करेक्ट वन टू थ्री और यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि एक जो रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी है उसमें फोर्टी स्टार कंपेनर्स होते हैं जबकि जो अनरिकॉग्नाइज बट रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी होती है उसके अंदर ट्वेंटी

ओके डन तो देखिए ए ऑप्शन एम एस स्वामीनाथन इज करेक्ट ऑप्शन बिकॉज ग्रीन रेवोल्यूशन से भी हम एम एस स्वामीनाथन को ही रिलेट करते हैं एवर ग्रीन रेवोल्यूशन भी इन्हीं के थ्रू किया गया था नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू इंडियन नेशनल कमीशन फॉर कॉपरेशन विद यूनेस्को कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फर्स्ट ऑप्शन इज द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज द प्रेजिडेंट ऑफ द कमीशन एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कमीशन इज टू एडवाइज द गवर्नर इन मैटर रिलेटिंग टू यूनेस्को तो ए ऑप्शन आपके पास है वन ओनली बी इज टू ओनली सी बोथ वन एंड टू डी नाइदर वन नो टू तो एक बार वीडियो को पोस्ट कीजिए इसे अटैम्प्ट कीजिए ओके okay, डन तो देखिए फर्स्ट एंड सेकेंड ऑप्शन दोनों ही सही है तो आप पे आपका सी ऑप्शन बोथ वन एंड टू करेक्ट होता है और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज ये जो नीचे सब्सक्राइब बटन है इसको क्लिक कर दीजिए बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको और रोसम वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो आपका बोथ वन एंड टू और यहाँ पे देखिए इसको जो इनिशियली सेटअप किया गया था वो नाइनटीन के अंदर किया गया था ये एक गवर्नमेंटल बॉडी है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ सेकेंडरी ईयर हायर एजुकेशन के अंडर काम करती है और डिपार्टमेंट ऑफ सेकेंड इंडियन हायर एजुकेशन किसके अंडर आया मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंदर आया और ये एक परमानेंट कमीशन बन गया था एस्टैब्लिश हुआ था जो कि 1951 के अंदर और इसका जो ऑब्जेक्टिव है बेसिकली वो ये है कि गवर्नमेंट को यूनेस्को से रिलेटेड जो भी चीजें होती है उसमें एडवाइस करना और उसके बाद देखिए यूनेस्को के जो मैंडेट्स होते हैं ईच मेंबर ऑफ नेशनल कमीशन को मानने होते हैं और एज एन एजेंसी ये काम करते हैं बिटवीन नेशनल गवर्नमेंट एंड यूनेस्को इसमें देखिए जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट होते हैं वो प्रेसिडेंट होते हैं इस कमीशन के जो कि 1951 में परमानेंट बन गया था और जो सेक्रेटरी होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन वो यहाँ के सेक्रेटरी जनरल होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रूट ऑफ एटीन फिफ्टी सेवन रिवोल्ट ले इन तो ये आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन हो गया फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास ब्लटरी डिस्क्रिमिनेट्री पॉलिसीज सेकेंड है एक्सप्लोइटेटिव लैंड रेवेन्यू पॉलिसी सी है द पॉलिसी ऑफ ग्रीस्ड कार्ट्रेजेस एंड डी इज ऑल ऑफ द अबव तो ये पूछा गया कि एटीन फिफ्टी सेवन का जो रिवोल्ट हुआ था उसकी जड़ क्या थी मतलब उसकी वजह क्या थी तो एक बार इसको वीडियो को पोस्ट की कीजिए और अटैम्प्ट कीजिए ओके okay, डन तो देखिए डी ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑल ऑफ द अबव क्योंकि क्या हुआ था कि ब्रिटिश रूल जब इंडिया के अंदर दो सेंचुरीज तक रह चुका था तो उस टाइम उन्होंने इंटरफेरेंस करनी शुरू कर दी थी लोगों के रिलीजियस मैटर के अंदर और जितने भी हिंदू और मुस्लिम्स के सोशल प्रैक्टिसेस थे उनको भी खत्म करना शुरू कर दिया था हालांकि जो सोशल प्रैक्टिस वो खत्म कर रहे थे जैसे सती प्रथा को ख़त्म किया गया था विडो री को प्रमोट किया जा रहा था वो अच्छी चीज़ें थी बट लोगों को वो चीज़ें पसंद नहीं आ रही थी तो इस वजह से क्या हो गया था इंडियंस जो थे वो गुस्से

एंगर हो चुके थे नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो इज कंस्ट्रक्टेड एट विच प्लेस? ए इज कोची बी इज कोलकाता, सी इज हैदराबाद एंड डी इज चेन्नई तो एक बार वीडियो को पोस्ट कीजिए और इसे अटेम्प्ट कीजिए के okay, डन तो देखिए इस बी ऑप्शन कोलकाता इज करेक्ट इसको आप कैसे याद करेंगे कि सबसे पहले मेट्रो जो थी वो कहां पे आई थी और अगर हम डेवलपमेंट देखते हैं तो कहाँ पे हो रहा था फ्रीडम टाइम से ही बंगाल के अंदर हो रहा था बंगाल के अंदर क्या हो गया कोलकाता आ गया जिसको हम वेस्ट बंगाल कहते हैं तो अंडर वाटर फर्स्ट मेट्रो भी कहाँ पे बनी है कोलकाता के अंदर बनी है तो यहाँ पे बेसिकली जो हुगली रिवर है उसके अंडर से ये मेट्रो जाएगी नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन बिल टू थाउजेंड नाइनटीन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इस क्वेश्चन को आप आसानी से अटैम्प्ट कर लेंगे क्योंकि मैंने कुछ दिनों पहले इसकी सेपरेटली वीडियो भेजी थी सॉरी बनाई थी तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट है इट एम्स टू प्रमोट इक्विटी बाय एंशोरिंग एन एडिक्वेट सप्लाई ऑफ क्वालिटी मेडिकल प्रोफेशनल सेकेंड स्टेटमेंट है इट एम्स टू एनफोर्स हाई एथिकल स्टैंडर्ड्स इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ मेडिकल सर्विसेज इन इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड थर्ड स्टेटमेंट है यहाँ पे इट विल प्रोमोट द अवेलेबिलिटी ऑफ अफोर्डेबल हेल्थ केयर सर्विसेज इन ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री तो आपके पास ऑप्शन है ए वन एंड टू ओनली बी टू एंड थ्री ओनली सी वन एंड थ्री ओनली एंड डी वन टू थ्री तो एक बार वीडियो को पोस्ट कीजिए और इसे अटैम्प्ट कीजिए ओके okay, डन तो देखिए डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही है एक चीज और मैं आपको बता दूँ कि इसकी जो टेलीग्राम पीडीएफ है इस वाले लेक्चर की और बाकी लेक्चर्स की जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर जो अभी न्यू स्टूडेंट्स हैं हमारे वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी तो चलिए देख लेते हैं इसका डी वन टू थ्री है तो यहाँ पर बेसिकली क्या है कि मेजर जो मेन ऑब्जेक्टिव है एनसीआई एम सॉरी उसको एस्टैब्लिश करने का वो ये है कि क्वालिटी मेडिकल प्रोफेशनल जो है या फिर जो हाई एथिकल स्टैंडर्ड्स है वो मिल सके मेडिकल सर्विसेज के अंदर इन इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन उसके बाद ये जो ये जो कमीशन है बेसिकली अफोर्डेबल हेल्थ केयर सर्विसेज को प्रोवाइड करेगा इन ऑल पार्ट्स ऑफ कंट्री और कमीशन जो है उसको स्ट्रीमलाइन किया जाता है ताकि अकेडमिक जो स्टैंडर्ड्स हैं एविलुएशन है वो मैंटेन हो सके और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो भी हैं मेडिकल रिलेटेड उनको भी प्रमोट किया जा सके नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑपरेशन वेनीला बाय द इंडियन नेवी रिसेंटली सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू कंट्री ये वाला भी मैं करंट अफेयर में कर चुकी हूँ कवर आई डोंट नो आपने वीडियो देखे या नहीं देखे अलग से सेपरेट वीडियो मैंने बनाई थी ऑपरेशन वैनीला के ऊपर तो यहाँ पे ए ऑप्शन है नेमीबिया बी है सी है ऑस्ट्रेलिया एंड डी इज वियतनाम तो एक बार वीडियो को पोस्ट कीजिए और इसे अटैप कीजिए ओके okay, डन तो देखिए बी ऑप्शन जो है मैदास कार जो है वो सही ऑप्शन है यहाँ पे तो यहाँ पे देखिए इंडियन नेवी जो है उसने ये एक डिजास्टर मैनेजमेंट ऑपरेशन लॉन्च किया था मैदा कार के अंदर जिसको ऑपरेशन वेनिला नाम दिया गया था और यहाँ पे बेसिकली जितने भी मैदाक्स कार के अंदर अफेक्टेड पॉपुलेशन थी बाई साइक्लोन डी उसमें असिस्टेंस प्रोवाइड की गई थी इंडियन नेवी के थ्रू तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपके मॉडरेट कैटेगरी के अंदर क्वेश्चन आते हैं नेक्स्ट वी डिस्कस विद रिगार्ड टू चीता एनिमल कंसिल द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज दर्ल्ड फास्टेस्ट लैंड एनिमल सेकेंड इट इज लिस्टेड वनरेबल इन रेड लिस्टेड स्पीशी एंड थर्ड क्वेश्चन इज इट वॉज डिक्लेयर एक्सटिंकट इन इंडिया इन नाइनटीन फिफ्टी टू तो ऑप्शन है आपके पास वन एंड टू ओनली बी टू एंड थ्री ओनली सी वन एंड थ्री ओनली एंड डी वन टू थ्री तो एक बार वीडियो को पोज कीजिए और इससे अटैम्प्ट कीजिए ओके okay, डन तो देखिए डी ऑप्शन इज करेक्ट वन टू थ्री तीनों ही स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है जो चीता है वो वर्ल्ड का फास्टेस्ट लैंड एनिमल है जिसके अंदर आयुसियन को उसने कैटेगरी दे रखी है वन रेबर की और उसके बाद देखिए ये जो एक्सट्रिंक हो चुका था इंडिया से 1952 के अंदर एंड अगेन गाइज अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा तो डी ऑप्शन इज वन टू थ्री तो यहाँ पे बेसिकली जो चीता है उसका जो एक साइंटिफिक नेम है वो है एक्नोनिक्स जुबेटस इसको ओल्डेस्ट बिग कैट भी कहा जाता है

ओके okay, डन तो देखिए क्या होता है कि जो चार ऑप्शंस दे रखे हैं वो चारों ही ऑप्शन इस सेंस में सही आते हैं क्योंकि जो स्पिरिट ऑफ था इंडिया के अंदर उसको क्रश कर दिया गया था गवर्नमेंट करती थी ये कि उनके पास पावर ज्यादा थी तो फर्स्ट ऑप्शन सही है इसमें ठीक है सेकेंड ऑप्शन किस तरीके से सही है कि द ब्रिटिश बिकम टोटली डिमोरलाइज क्योंकि एक ब्रिटिश जो तो एडमिनिस्ट्रेटर थे उनकी बाद में स्टेटमेंट आई थी कि अगर एक भी जो लॉयल क्योंकि यहां पर हमने देखा था एटीन फिफ्टी के रिवोल्ट को सप्राइम करने के लिए हमारे इंडियंस ने ही ब्रिटिशर्स की हेल्प की थी तो बाद में एक एक ब्रिटिशर एडमिनिस्ट्रेटर ने यह कहा था कि अगर एक भी लॉयल जो है वो यहां पे नहीं मतलब कि बच जाता या फिर ये रिवोल्ट आगे हो जाता तो हम इंडिया से अपना कंट्रोल लूज कर देते तो ब्रिटिश जो थे वो एक टाइम में डिमोरलाइज भी हुए थे ब्रिटिश जो थे उन्होंने अपनी रिप्रेसिव पॉलिसीज को अबंड कर दिया था पूरे तरीके से नहीं किया था बट कुछ जो थी वीकनेस आ गई थी मतलब उन्होंने रिप्रेस करना थोड़ा कम कर दिया था और लास्ट में क्वेश्चन था कि द यूनिटी वॉस हिंदू एंड मुस्लिम तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है क्योंकि ये वाली आप चाहे अपनी स्पेक्ट्रम उठा के देख ले या फिर NCRT उठा के देख ले स्पेसिफिकली ये लाइन जो है फर्स्ट दी गई है ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज था कि हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में बहुत ज्यादा यूनिटी थी तो डी ऑप्शन इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू भुवन पंचायत थ्री इनिशिएटिव रिसेंटली सीन इन न्यूज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट तो ये आपका टफ साइड के क्वेश्चन हो गए तो फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ नीति आयोग सेकंड स्टेटमेंट है इट विल प्रोवाइड डाटा बेस विजुअलाइजेशन एंड सर्विसेज फॉर द बेनिफिट ऑफ पंचायत मेंबर्स अमंग अदर्स एंड थर्ड स्टेटमेंट इज यूजिंग भुवन सेटेलाइट इमेजरी हाई रेजोल्यूशन डाटा बेस इज अप्लाइड टू आइडेंटिफाई लैंड यूज लैंड कवर्स सेटलमेंट्स रोड एंड रेल नेटवर्क एटसेट्रा तो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास वन ओनली बी इज टू एंड थ्री ओनली सी टू ओनली एंड डी वन टू थ्री तो एक बार इसे अटैम्प्ट कीजिए ओके okay, डन तो देखिए इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट है बाय नीति आयोग ये गलत है टू एंड थ्री स्टेटमेंट सही है तो आपका बी ऑप्शन टू एंड थ्री इज करेक्ट है तो चलिए मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ ये क्या है तो भुवन पंचायत जो है वो ना कि नीति आयोग के थ्रू किया गया है ये इसरो का एक स्पेस बेस्ड इंफॉर्मेशन सपोर्ट डिसेंट्रलाइजेशन प्लानिंग अपडेट प्रोजेक्ट है जिसका कि बेसिकली एम है कि जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स है उनकी बेटर प्लानिंग की जा सके और मोनिटरिंग की जा सके तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा कि एक हाई रेजोल्यूशन डाटा बेस जो है वो वन टू टेन थाउजेंड स्केल पे अप्लाई किया जाएगा जिसमें लैंड यूज को आइडेंटिफाई किया जाएगा लैंड कवर को किया जाएगा सेटलमेंट्स को किया जाएगा और रेल नेटवर्क को यहाँ पे आइडेंटिफाई किया जाएगा उनको मॉनिटर किया जाएगा तो यहाँ पे डाटा बेस विजुलाइजेशन के थ्रू डाटा एनालिटिक्स के थ्रू ऑटोमेटिक रिपोर्ट के थ्रू जो ग्राम पंचायत के मेंबर्स हैं उनकी सर्विसेस को मॉनिटर किया जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम साइंस क्लोरोफिल इज अचुर अकरिंग चिलेट कंपाउंड इन विच सेंट्रल मेटल इस तो इसमें पूछा गया कि जो क्लोरोफिल है उसके बीच में जो कंपाउंड होता है वो कौन सा होता है मतलब कि कौन सा सेंट्रल मेटल होता है ए इज़ कॉपर बी इज मैग्नीशियम सी इज़ आयरन एंड डी इज़ कैल्शियम तो एक बार इस वीडियो को अटैम्पी सॉरी इस क्वेश्चन को अटैम्प कीजिए ओके okay, डन तो बी ऑप्शन इज़ करेक्ट मैग्नीशियम इज़ करेक्ट ऑप्शन तो एक्सप्लेनेशन इसके एक बार देख लेते हैं तो इसमें जो चिलेट है क्लोरोफिल जो बेसिकली कहा गया है इसमें क्या होता है कि सेंट्रल आयन जो है वो मैग्नीशियम होता है और इसका जो लार्जेस्ट ऑर्गेनिक मोलिक्यूल बनता है वे जो क्लोरोफिल का उसको पोरफाइरिन कहते हैं पोरफायरिन क्या होता है कि उसमें ऐसे नाइट्रोजन के चार एटम्स होते हैं जिसके बीच में यहाँ पे ऐसे मैग्नीशियम लगा होता है और वो इससे बॉन्डेड होता है तो यहाँ पे बेसिकली ये एक स्क्वायर प्लानर अरेंजमेंट को बनाता है नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू पोली क्रेक टेक्नोलॉजी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट कन्वर्ट्स मल्टीपल फीड स्टॉक्स इन टू हाइड्रोकार्बन लिक्विड फ्यूल्स गैस कार्बन एज वेल एज वाटर एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज द एनर्जी विच विल बी प्रोड्यूस एट द प्लांट विल बी इन द फॉर्म ऑफ लाइट डीजल ऑयल एंड दिस ऑयल विल बी यूज टू लाइट फाइनेसिस तो ऑप्शन आपके पास है वन ओनली बी टू ओनली सी बोथ वन एंड टू डी बट नो टू तो एक बार इसको अटैम्प्ट कीजिए प्लीज ओके okay, डन तो देखिए दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है तो ऑप्शन सी बोथ वन एंड टू इज करेक्ट तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि पोली क्रैक जो है वो वर्ल्ड का फर्स्ट ऐसा पेटेंटेड हाइड्रो है, हैट्रो, हाइट्रोजीनियस कैटालिटिकल प्रोसेस है जो कि क्या करता है कि मल्टीपल जो फीड स्टोक्स होते हैं उनको हाइड्रोकार्बन लिक्विड फ्यूल्स के अंदर गैसेस के अंदर कार्बन और इवन वाटर के अंदर भी कन्वर्ट कर देता है तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि जो फीड स्टोक्स होते हैं उससे जो वेस्ट जनरेट होता है वो एक फीडर मटेरियल हो जाता है जिसमें कि वेस्ट से एनर्जी प्रोड्यूस उिडी की जाती है तो यहां पे जो एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है वो लाइट डीजल ऑयल के फॉर्म में यूज फाइनेस नेक्स्ट क्वेश्चन पॉपुलेशन रजिस्टर फॉलोइंग स्टेटमेंट है इट इज अ रजिस्टर ऑफ यूज रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री सेकेंड स्टेटमेंट है इट इज बीग प्रिपेयर एट द लोकल सब डिस्ट्रिक्ट स्टेट एंड नेशनल लेवल अंडर प्रोविजन ऑफ सिटीजनशिप एक्ट 1955 थर्ड स्टेटमेंट है इट इज नॉन मैंडेटरी फॉर एवरी रेजिडेंट ऑफ इंडिया टू रजिस्टर इन तो ये क्वेश्चन देखिए सिटीजनशिप से रिलेटेड है तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस तरीके से क्वेश्चन बना के यूपीएससी आपसे बहुत ईजिल पूछ सकता है तो विच ऑफ द अब स्टेटमेंट इज आर करेक्ट ए इज वन एंड टू ओनली बी टू एंड थ्री ओनली सी वन एंड थ्री एंड डी वन टू थ्री तो एक बार इसे अटैम्प्ट कीजिए ओके okay, डन तो देखिए यहां पे जो थर्ड स्टेटमेंट है वो गलत है ए वन एंड टू ओनली स्टेटमेंट इज करेक्ट क्योंकि यहाँ पे मैंडेटरी है एवरी सिटीजन जो इंडिया का है कि वो अपने आप को एनपीआर में रजिस्टर करे यहाँ पे वर्ड दे रखा है नॉन मैंडेटरी तो ये गलत हो गया आपका तो यहाँ पे वन एंड टू सही ऑप्शन है ये जो है बेसिकली रजिस्टर जिसमें यूजर रेजिडेंट ऑफ कंट्री को रजिस्टर किया जाता है और इसको प्रिपेयर किया जाता है लोकल लेवल पे लोकल में क्या आ गया विलेज और आपके सब टाउन आ गए फिर सब डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट स्टेट एंड नेशनल लेवल को जो कि सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अंदर आ गया और जो सिटीजनशिप रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन एंड इशू ऑफ नेशनल आइडेंटिटी कार्ड रूल्स 2003 है इस वाले पॉइंट को भी आपको याद रखना है ये इसके अंदर भी आता है नेक्स्ट क्वेश्चन इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हरियाणा सिक्किम अरुणाचल प्रदेश नागालैंड एज फुल स्टेट्स ऑफ इंडियन यूनियन इज तो ये आपका पॉलिटी का एम लक्ष्मीकांत में जो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी है उस चैप्टर में दे रखा है तो मैंने इसको एक्सप्लेन भी कर रखा है फर्स्ट स्टेटमेंट है इसमें हरियाणा पहले बना था फिर कह रहे हैं कि सिक्किम फिर अरुणाचल प्रदेश फिर नागालैंड सेकंड जो ऑप्शन है उसमें कहा गया है कि नागालैंड बना था फिर अरुणाचल प्रदेश फिर हरियाणा फिर सिक्किम सी जो ऑप्शन था उसमें कहा गया कि नागालैंड सबसे पहले बना था फिर हरियाणा फिर अरुणाचल प्रदेश बना था और जो डी ऑप्शन है उसमें एक आ गया कि सबसे पहले नागालैंड बना था फिर हरियाणा फिर सिक्किम और फिर अरुणाचल प्रदेश तो वीडियो को एक बार पोस्ट कीजिए और इसे केयरफुली अटैम्प्ट कीजिए

ओके okay, डन तो देखिए डी स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे सही है सबसे पहले नागालैंड बना था फिर हरियाणा बना था तो एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे तो नागालैंड जो था वो फर्स्ट दिसंबर 1963 में बना था वहीं पे हरियाणा जो था वो फर्स्ट नवंबर 1966 में बना था उसके तीन साल बाद सिक्किम सिक्सटीन में नाइनटीन को बना था और अरुणाचल प्रदेश ट्वेंटी एट फाइव नाइनटीन को बना था नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू रिगार्डिंग लाला लाजपत राय तो लाला लाजपत राय जी के बारे में पूछा गया लाला लाज

तो ये तीनों स्टेटमेंट आपके सामने ऑप्शन है ए वन ओनली बी टू एंड थ्री ओनली सी थ्री ओनली एंड डी वन टू थ्री तो वीडियो को पोस्ट कीजिए और इसे अटैम्प्ट कीजिए ओके okay, डन तो देखिए यहाँ पे जो डी ऑप्शन है वन टू थ्री वो सही है तीनों स्टेटमेंट सही है यहाँ पे एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ तो यहाँ पे बेसिकली जो लाला लाजपत राय जी थे उन्होंने स्वदेशी मूवमेंट जो थी हमारी उसमें बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट किया था और एजुकेशन को बहुत ज्यादा एडवोकेट किया करते थे वो दयानंद सरवस दयानंद सरस्वती जी जो थे उनके फॉलोअर बन चुके थे जो कि फाउंडर थे आर्य समाज के दयानंद सरस्वती जी आर्य समाज के फाउंडर थे ना कि लाला लाजपत राय जी ठीक है तो यहाँ पे बेसिकली ये सोसाइटी के लीडर बन गए थे और उसके बाद

ओके डन तो देखिए बी ऑप्शन इस करें रघुराम जी राजन जो थे वो प्लानिंग कमीशन के थे जिन्होंने फाइनेंश रिफॉर्म्स के लिए सबसे पहले कमेटी फॉर्म की थी नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स इज रिलीड्स बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फॉलोइंग ए इज़ इन सीड बिजनेस स्कूल बी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम सी कोर्नल यूनिवर्सिटी डी इज यूनेस्को तो एक बार इसे अटैम्प्ट कीजिए ओके okay, डन तो देखिए क्या है कि मैंने सर्वेज uh, इंडेक्स और जो रिपोर्ट्स है उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना रखी है आई थिंक 1.5 पॉइंट आवर्स की वो वीडियो हैं दो वीडियोस पर उसमें मैंने सारी ही इंडेक्सेस सर्वेज जो हैं वो कर रखे हैं एक चीज़ और जो जो चीज़ें मैंने अभी आपको बोली कि मैंने इसकी वीडियो बना रखी है सेपरेट अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए कल की जो वीडियोज़ आएंगी उसके डिस्क्रिप्शन में फिर मैं उनके लिंक दे दूँगी या फिर टेलीग्राम पर उसको पोस्ट कर दूँगी तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है ए इनसेड बिजनेस स्कूल जो है वो ग्लोबल टैलेंट स जो इंडेक्स है उसको पब्लिश करता है तो यहाँ पे अगर आप लर्निंग जोन में मैं देखो तो जी टी सी आई जो ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स है वो टू थाउजेंड थर्टीन के अंदर लॉन्च हुआ था ये एक एनुअल रिपोर्ट होती है जिसमें बेसिकली जो है कंट्रीज को एनालाइज किया जाता है मेजर किया जाता है कि वो टैलेंट के लिए कितना कंपीट करते हैं तो इन सीड बिजनेस स्कूल के थ्रू स्कोर किया जाता है विथ पार्टनरशिप ऑफ एडिको ग्रुप एंड गूगल तो ये वाला पॉइंट भी आपको याद रखना है फिर उसके बाद आपको ये देखना है कि ये जो रिपोर्ट है ये सेवेंटी वेरिएबल्स को जो है लेवल को उसको ईज करते हैं जैसे ईज ऑफ हायरिंग हो गया जेंडर अर्निंग गैप्स हो गया या फिर प्रिवलेंस ऑफ ट्रेनिंग इन फॉर्म्स है बहुत सारी चीज़ें जिनको ये एनालाइज करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम पॉलिटी द स्पीकर ऑफ लोकसभा कैन आस्क अ मेंबर ऑफ द हाउस टू स्टॉप स्पीकिंग एंड लेट अनदर अदर मेंबर स्पीक तो यहाँ पर आपने देखा होगा अगर लोकसभा की कभी आपने प्रोसीडिंग्स देखी होगी तो उसमें क्या कहते हैं कि स्पीकर जो होते है जो कोई मिनिस्टर या फिर मेंबर जो है वो ज़्यादा बोल रहा होता है तो वो उनको कहते हैं कि आप बैठ जो और दूसरे को कहते हैं कि चलिए आप बोलिए तो ये वाली जो चीज होती है इसको पार्लियामेंट में इस फिनोमिन को क्या कहा जाता है थर्ड इज पॉइंट ऑफ ऑर्डर एंड डी कोलिंग अटेंशन मोशन तो एक बार वीडियो को पोस्ट कीजिए और इसे टाइम कीजिए डन okay, तो देखिए जो सेकेंड ऑप्शन है यील्डिंग द फ्लोर ये सही ऑप्शन है ये कहा जाता है इस फिनोमिनल को मैं एक बार औरों को भी एक्सप्लेन कर देती हूँ आपके सामने तो ऑप्शन बी इज करेक्ट यील्डिंग द फ्लोर होता है जिसमें स्पीकर ऑफ लोकसभा जो है वो एक मेंबर ऑफ हाउस को ये कहते हैं कि आप मत बोलिए अभी और दूसरे मेंबर को कहते हैं कि आप अब बोलिए यहाँ पे क्रॉसिंग द फ्लोर का मतलब होता है कि देखिए यहाँ पे तो मान लीजिए चेयरमैन बैठे और यहाँ पे जो मेंबर है वो खड़ा होकर बोल रहा है ठीक है तो यहाँ पे इस ये जो एरिया है इसके बीच से अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्रॉस कर जाता है तो इसका मतलब होता है क्रॉसिंग द फ्लोर तो ये एक तरीके से क्या होता है कि जो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स है ये उनका ब्रीच कहा जाता है मतलब कि एक डिसरिस्पेक्ट कही जाती है तो उसमें क्या होता है कि जो पे, आ, मेंबर है उसको डिसक्वालीफाई भी कर दिया जाता है फिर आता है पॉइंट ऑफ ऑर्डर तो पॉइंट ऑफ ऑर्डर में क्या होता है कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है जब उसको ये लगता है कि जो प्रोसीडिंग ऑफ हाउस है वो सही तरीके से नहीं चल रही नॉर्मल रूल्स के हिसाब से नहीं चल रही तो वो एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेस करता है और उसमें जो फिर प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है मतलब जो स्पीकर होता है वो ये डिसाइड करते हैं कि पॉइंट ऑफ ऑर्डर जो है जो मेम्बर ने रेस किया क्या उसको अलाउ करना चाहिए मतलब कि वो सही है या नहीं है नेक्स्ट और लास्ट आता है यहाँ पर कॉलिंग अटेंशन मोशन तो यहाँ पे जो होता है स्पीकर एक प्रायर परमिशन देता है एनी मेंबर कर सकते हैं तो यहां पे क्या होता है कि जो होता है, पहले दे देता है उस मैटर के ऊपर बाद में टाइम लेता है कि बेटर तरीके से वो कैसे दी जा सकती है नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम साइंस एंड टेक्नोलॉजी विद रेफरेंस टू आरके आ ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम कंसिडर दरकी बैक्टीरिया जो है अपने सुना होगा उनसे उससे रिलेटेड जो है ये तीन statement आपके सामने फर्स्ट इट इज प्रेजेंट इन ह्यूमन गट फॉर प्रोड्यूसिंग एंटी माइक्रोबियल मोलिक्यूल एंड फॉर एंटी एक्टिविटीज तो यहां पे एस को ऑप्शन दिया है आपको वन एंड थ्री ओनली बी है टू एंड थ्री ओनली सी वन एंड टू ओनली एंड डी वन टू थ्री तो एक बार वीडियो को पोस्ट कीजिए और इसे टैंप कीजिए ओके okay, डन तो देखिए जो ये बी स्टेटमेंट है ये गलत है क्योंकि जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं उनका एक स्पेसिफिक फीचर ही यही होता है कि वो एक्सट्रीम हैबिटेट्स में सर्वाइव कर सकते हैं ना कि वो उसके अंदर मर जाते हैं तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो है ए वन एंड थ्री ओनली तो आर्की बैक्टीरिया क्या होते हैं प्रीमेटिव ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि एक्सट्रीम हैबिटेट्स में रहते हैं जैसे हॉट स्प्रिंग हो गया कोल्ड डेजर्ट या फिर हाइपर लेक हो गया ये स्लो ग्रोइंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो ह्यूमन कट के अंदर भी देखने को मिलते हैं और ह्यूमन हेल्थ से इनका एक अच्छा रिलेशनशिप होता है तो यहाँ पे बेसिकली ये एंटी माइक्रोबियल मोलिक्यूल्स भी बनाते हैं और एंटी ऑक्सीडेंट एक्टिविटी भी करते हैं और इनको इको फ्रेंडली वेस्ट वाटर के अंदर भी अप्लाई किया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू निष्ठा इनिशिएटिव द फॉलोइंग स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट इट हैज टू इंप्रूव लर्निंग आउटकम्स एट द हायर एजुकेशन लेवल सेकेंड स्टेटमेंट इट एम्स टू मोटिवेट एंड इक्विप टीचर्स टू एंड एंकर क्रिटिकल थिंकिंग इन स्टूडेंट्स एंड थर्ड इज इट इज इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट तो आपके पास ऑप्शन है ए वन एंड टू ओनली सी वन एंड थ्री ओनली एंड डी वन टू थ्री तो एक बार वीडियो को पोस्ट कीजिए अटैंप कीजिए ओके okay, डन तो देखिए जो ये फर्स्ट स्टेटमेंट है ये गलत है ये नहीं ऑप्शन है तो यहाँ पे बी टू एंड थ्री जो है वो सही है बिकॉज ये हायर एजुकेशनल लेवल पे नहीं जो एलिमेंट्री लेवल होता है उसके ऊपर वर्क करता है तो बी स्टेटमेंट बी ऑप्शन टू एंड थ्री ओनली इज़ करेक्ट तो यहाँ पे निष्ठा जो है उसके फॉर्म क्या है नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट और ये इंप्रूव करता है लर्निंग आउटकम एट एलिमेंट्री लेवल और इसका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि मैसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो है वो करे जा सके ताकि टीचर्स जो को मोटिवेट किया जा सके और जितने भी थिंकिंग स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर थिंकिंग को एंकरेज किया जा सके तो यहां पे हमने अपने सभी 25 फाइव क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी तो आप हमें सपोर्ट जरूर करेंगे वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट सेक्शन में बताइएगा वीडियो कैसी लगी है और उसके बाद जो है टेलीग्राम चैनल पर इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी थैंक यू सो मच